इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है, आप सभी लोगों का स्वागत है। ये ऑनलाइन एजुकेशन ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो है एजुकेशन के डायरेक्शन में जो है ये बहुत अच्छी पहल है। ये और साथ ही जो है इस जिले के हमारे डीआईओ साहब का भी बहुत जो है उन्होंने इस ऑनलाइन एजुकेशन में उन्होंने जो है दिन रात उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने कोशिश किया। और साथ ही हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब आसिफ अली खान साहब भी इन्होंने जो है दिन रात उन्होंने मेहनत किया इस ऑनलाइन एजुकेशन में। उनका भी बहुत बड़ा जो है उन्होंने भी बहुत दिन रात जो है उन्होंने मेहनत किया। मैं डीआईएस साहब का जो है इस जिले के डीआईएस साहब का मैं धन्यवाद देता हूं, उनका थैंक्स बोलता हूं। अब मैं आप लोगों को आज जो है अंश और ऋण पत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, शेयर्स एंड डिबेंचर। अंश सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा अंश क्या है, व्हाट इज शेयर्स। शेयर जो है कंपनियों की जो पूंजी होती है छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को हम शेयर कहते हैं। शेयर दो तरह के होते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार शेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समता अंश या जिसे हम साधारण अंश कहते हैं, और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश, प्रिफरेंस शेयर। साधारण अंश क्या है, जिसे समता अंश, समता अंश वह अंश है जिसके जिसके धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, ये कंपनी के ओरिजिनल ओनर होते हैं। ये जब भी कंपनी की सभाएं होती हैं, ये उन सभाओं में इनको भाग लेने का अधिकार होता है, ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं संता अंशधारी। और सबको देने के बाद जो भी बचता है लाभांश, लाभ बचता है कंपनी का, सब लोग जो है जो भी लाभ देने के बाद जो कुछ भी बच जाता है वो सब इन्हीं का होता है, संता अंशधारियों का होता है। ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश वह अंश है जिसके धारकों को दो प्राथमिकताएं मिलती है, दो अधिकार दिए जाते हैं। एक तो यह है पहला कि जब भी कंपनी को लाभांश होता है, जब भी कंपनी को लाभ होता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले लाभांश दिया जाता है। दूसरा यह है अधिकार यह दिया जाता है जब भी कंपनी की पूंजी वापस की जाती है, जब भी पूंजी वापस की जाती है इनको पहले पूंजी वापस दी जाती है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस करने में भी प्राथमिकता दी जाती है, ये दो ये है इनको अधिकार दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा काइंड्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश आठ प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध पूर्वाधिकार अंश। शुद्ध पूर्वाधिकार अंश क्या है, शुद्ध इसमें आठ प्रकार के होते हैं, शोध्य, दूसरा है अशोध्य, तीसरा है परिवर्तनीय, चौथा है अपरिवर्तनीय, पांचवा है संचयी, छठवां है असंचयी, सातवां पूर्वाधिकार अंश है भागी, आठवां है अभागी। आठ तरह के पूर्वाधिकार अंश होते हैं। शोध्य क्या है, यह ऐसा अंश होता है जिसका जो है मूलधन यानी इसके पूंजी का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है, उसे कहते हैं शुद्ध। दूसरा है अशुद्ध, यह ऐसा पूर्वाधिकार अंश है
जिसके पूंजी का भुगतान, जिसका मूलधन का भुगतान कंपनी के समापन के समय किया जाता है उसको कहते हैं अशुद्ध कहते हैं। तीसरा है परिवर्तनीय पूर्व अधिकार। परिवर्तनीय पूर्व अधिकार अंश में यह है कि इसमें एक निश्चित अवधि के बाद शेयर को दूसरे शेयर में बदल दिया जाता है, दूसरे शेयर में बदलने का अधिकार दे दिया जाता है, उसे कहते हैं परिवर्तनीय कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर। चौथा है अपरिवर्तनीय नॉन कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर। ये ऐसा पूर्व अधिकार अंश है जो दूसरे शेयर में परिवर्तन नहीं किया जाता है या दूसरे शेयर में उनके शेयर को नहीं बदला जा सकता, उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे संचयी पूर्व अधिकार। ये पांचवा है, पांचवा संचयी पूर्व अधिकार। संचयी पूर्व अधिकार अंश में यह है कि इसमें यदि इसमें पिछले वर्ष का लाभांश जो है वो संचय किया जाता है, अगर किसी वर्ष जो है हानि हो गया किसी वजह से कंपनी को तो उसका भी जो है संचय करके इकट्ठा करके अगले साल दे दिया जाता है, इसे कहते हैं संचयी पूर्व अधिकार। अगला है छठवां असंचयी, सिक्स पॉइंट है असंचयी। असंचयी पूर्व अधिकार अंश है इसमें यदि कंपनी को लाभ हुआ तो लाभांश दिया जाता है, हानि होगा तो नहीं दिया जाएगा, इसे कहते हैं असंचयी पूर्व अधिकार। उसके बाद है भागयुक्त पूर्व अधिकार अंश। भागयुक्त यानी पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस शेयर, ये ऐसा शेयर है जिसमें लाभांश सब बांटने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसमें भी ये हिस्सा लेते हैं, उसमें भी ये बांटते हैं, उसे कहते हैं भागयुक्त पूर्व अधिकार। अगला है आठवां अभागयुक्त। ये ऐसा शेयर है या ऐसा पूर्व अधिकार अंश है इसमें बचे हुए लाभ में कोई हिस्सा नहीं होता है, कोई इनका भागीदारी नहीं होता है, उसे कहते हैं अभागयुक्त पूर्व अधिकार। ये आठ तरह के पूर्व अधिकार अंश हैं। अब मैं आपको डिबेंचर बताने जाता हूं, ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या है? तो ऋण पत्र ये कंपनियों द्वारा जारी किए गए वह प्रलेख होता है जिसके आधार पर उस पर लिखी गई जो है धनराशि जो है जनता से लोन ले लिया जाता है, जनता से उधार लिया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऋण पत्र जो है कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है। कंपनियां जब लोन लेती हैं, जब वो लोन लेना चाहती हैं, ऋण पत्र लेना चाहती हैं, तो वो ऋण पत्र जारी करती है। यह ऋण ले कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है। इसके धारक कंपनी के ऋणदाता होते हैं और इस पर ब्याज एक निश्चित दर से अर्धवार्षिक दिया जाता है, उसे कहते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र भी आठ प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध रिडीमेबल डिबेंचर। शुद्ध क्या है? शुद्ध ऋण पत्र वो ऋण पत्र है जिनका मूलधन का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 वर्ष के लिए ऋण पत्र जो है जारी किया गया, तो 5 साल बाद ऋण पत्र जो है उसका मूलधन वापस कर दिया जाता है, यह है शुद्ध। दूसरा है अशुद्ध यानी इररिडीमेबल डिबेंचर। अशुद्ध क्या है? अशुद्ध ऋण पत्र वह ऋण पत्र है इसके मूलधन का भुगतान या मूलधन की वापसी एक निश्चित अवधि के बाद नहीं किया जाता है, कंपनी के समापन के समय किया जाता है, इसे कहते हैं अशुद्ध इररिडीमेबल डिबेंचर। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे तीसरा, यह है परिवर्तनीय पूर्व अधिकार। परिवर्तनीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो एक निश्चित अवधि के बाद उसको अंशों में बदला जा सकता है, उसे कहते हैं परिवर्तनीय कन्वर्टिबल। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। यह वह ऋण पत्र होता है जिसको शेयर में नहीं बदला जा सकता। मैं बता रहा था परिवर्तनीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है
जो एक निश्चित अवधि के बाद उसको अंशों में बदला जा सकता है, अंशों में बदलने का अधिकार होता है, उसे कहते हैं कन्वर्टिबल। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे अपरिवर्तनीय नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, यह ऐसा ऋण पत्र होता है जिसको अंशों में बदला नहीं जा सकता, अंशों में बदलने का अधिकार नहीं होता है, उसे कहते हैं नॉन कन्वर्टिबल। अब आप लोगों को बताएंगे बंधक ऋण पत्र, मॉर्गेज डिबेंचर। बंधक ऋण पत्र क्या है? जब कंपनियां जो है ये ऋण पत्र जारी करती हैं तो कंपनियों की संपत्ति जो है जमानत के रूप में रखी जाती है, बंधक के रूप में रखी जाती है, उसे कहते हैं बंधक ऋण पत्र। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा साधारण ऋण पत्र, या उसको बोलते हैं अरक्षित अरक्षित ऋण पत्र, अनसिक्योर डिबेंचर। यह वह ऋण पत्र होता है जिसमें कोई बंधक या कोई जमानत नहीं रखा जाता, जारी करते समय इसमें कोई बंधक या कोई जमानत या कोई संपत्ति नहीं रखा जाता, उसे कहते हैं अरक्षित ऋण पत्र। उसके बाद है आप लोगों को सातवां है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो जिसका जिसका हस्तांतरण जो है मात्र सुपुर्दगी से होता है, मात्र दे देने से जो है उसका हस्तांतरण हो जाता है। इसमें कूपन लगा होता है ऋण पत्र में,